वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप तो सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए सुबह के बज चुके हैं 5:10। तो सुबह इतने सुबह का यानी कि 5 AM होके अभी 10 मिनट गया दोस्तों। अभी हम दो बहनें देखिए आँख भी पूरा सूजा हुआ, हम लोग नहा के पूरा अभी फ्रेश हो गए दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं तिनसुकिया। क्यों जा रहे हैं तिनसुकिया बोलो? क्योंकि हम अपने फूफो के घर जा रहे हैं यानी अपनी बुआ के घर जा रहे हैं बिहू मनाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आसाम यानी कि तिनसुकिया। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पर चल रहा है बिहू और मेरी बुआ है अभी आसाम में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा गाड़ी आ चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं। लो ये बैग बैग डाल, बैग डाल कहाँ ले। तो देखिए हम लोग का गाड़ी आ चुका है, अभी हम लोग जाने वाले हैं। देखिए गए माँ। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पासीघाट से आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ पर डिब्रूगढ़ पर जस्ट अभी रुके हैं। तो अभी हमें पहुँचना है तिनसुकिया। अभी हम ये देखिए अभी हम लोग फिर भी गाड़ी में हैं, दो सिस्टर बैठे हुए हैं। तो अभी हमें दिखने में बहुत टायर्ड लग रहा होगा क्योंकि हम सुबह 5:30 चढ़े गाड़ी में। तो अभी आते आते बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। तो यहाँ से भैया ने कॉल किया मुझे कि वो तिनसुकिया पे आ चुके हैं। तो अभी लगभग हमें 1 आवर समथिंग लग जाएगा पहुँचने के लिए। तो देखिए जैसे पहुँच जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ का क्या होता है, कैसा नज़ारा है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे मेरी बुआ ओखली पे चावल, ये चावल क्या भिगो के लाई हो ना आप ना? तो अभी इस चावल से क्या बनने वाला है बुआ? पिठा बनेगा। अभी इस चावल को देखिए दोस्तों, इस चावल को पूरा फूट कर पूरा महीन बनाया जाएगा। और लास्ट में देखिए ये इस प्रकार से पिठा का रूप ले लेता है जो अभी मैं खा भी रही हूँ, बुआ ने मुझे भी दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मेरे भैया ये ओखली में इसे कूट रहे हैं इस चावल को। तो देखिए फ्रेंड्स जो अभी चावल जो गोटा गोटा था अभी देखिए वो ऐसा मिही हो गया है। तो अभी ये और भी ज़्यादा मिही होने वाला है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये ओखली में जो चावल है भैया ने आधा कूट लिया, अब मैं भी थोड़ा कूटूंगी। लेकिन मुझे आता तो नहीं कुछ, बस मैं ट्राई करूँगी एक बार। बहुत भारी है लेकिन ये भारी है तो भारी है। हाँ बहुत भारी है लगता है। हाँ तो बुआ बोल रही है एकदम होशियारी के साथ करने के लिए, अगर ये पैर में लग गया तो फिर तो पैर का बन जाएगा चटनी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये चावल जो भिगो के रखा था कल सारा नाइट रात भर इसे, तो अभी इसे सुखा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। क्यों सुखा रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत दिनों से बारिश है दोस्तों, वो धूप पे ही सूख जाता था दोस्तों, लेकिन आज क्या है बारिश है जिस कारण से देखिए ऊपर पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे बुआ इसे सुखा रही है। तो देखिए यहाँ पे दो चार आप लोगों को मिर्च भी दिखेगा, ये मिर्च डालने का क्या कारण है हम बुआ से पूछते हैं। बुआ बता दीजिए ये मिर्च क्यों यहाँ पे?
बुआ बोल रही है कि ये मिर्च लगाने से जो नजर होता है, जो एक नियम है, उस हिसाब से बुआ रख रही है ताकि नजर ना लगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रखा हुआ है कच्चा नारियल, तो इसे भी यहाँ पर एकदम पीस के डालेंगे, है ना दोस्तों। अब मैं कूट कूट कर थक चुकी हूँ, अब भैया आने वाले हैं, मैं भैया को दे देती हूँ। मैंने थोड़ा कूट लिया लेकिन। तो देखिए दोस्तों, अब जो कूटा हुआ जो चावल है, अब उसे इस प्रकार से चालनी में चालेंगे। देखिए, क्योंकि हमें पीठा बनाने के लिए एकदम पाउडर चाहिए दोस्तों, पूरा पाउडर। तो देखिए ऐसे छाना जाता है, जैसे हम लोग आटा छालते हैं ना, छानते हैं वैसे ही। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगी। पूरा पाउडर पाउडर पड़ रहा था। तो देखिए दोस्तों, ऊपर पे ऐसा पार्ट ऊपर रह जा रहा है, जो चावल अच्छे से नहीं कूटा गया है वो अभी ऊपर रह जाएगा, और जितना पाउडर है देखिए वो ऐसे पूरा पाउडर। कोयल हो क्या? कोयल कर रहे हैं ना आवाज, ऐसा पाउडर फॉर्म में बन गया पूरा पाउडर, जिसे अभी हिलाना नहीं है, इससे बनेगा पीठा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नारियल को दो हिस्सों पर टुकड़ा करके इसका पानी पूरा निकाला गया है। देखिए दोस्तों, जो नारियल दो हिस्सों में काटा गया था, उसे दीदी इस प्रकार से काट के निकाल रही है अंदर उसके। तो दीदी, ये क्या पे डाला जाएगा? इसे पीठा पर। तो पीठा पर डाला जाएगा ना, तो पीठा पे और क्या क्या डाला जाएगा नारियल के साथ? इसके साथ अभी चीनी दे के इसको फ्राई करना होगा, उसके बाद पीठा में डालना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने बैठे हैं लंच। तो देखिए आज हमारे प्लेट में क्या क्या है, चावल है, यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे वन ऑफ माय फेवरेट करी, पोर्क करी है, और यहाँ पे देखिए मिर्च, नमक, दाल, और ये मेरी सिस्टर की प्लेट पे भी सेम है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है नींबू, और यहाँ पे है पानी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लंच, और आज मैं आई हूँ अपने बुआ के घर पर। तो बुआ ने बड़ी प्यार से बना के हमें दिया है, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे आगे। देखिए अभी दीदी अभी इसे गैस पे बैठा रही है, यानी कि इस पतीले पे बैठा है। यहाँ पे क्या क्या डाला गया है? जो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, यानी कि उसे एकदम मिही किया गया था, उस पर अभी दीदी डाल रही है चीनी। तो अभी इसे क्या क्या किया जाएगा दीदी? अभी इसे फ्राई किया जाएगा। और इसे कब तक फ्राई किया जाएगा? लगभग 30 मिनट। अच्छा, तो दीदी बोल रही है दोस्तों, लगभग 30 से लेकर 35 मिनट तक इसे कंटिन्यू ऐसे ही फ्राई किया जाएगा। अच्छा, तो पीठा में ये डाला जाएगा। तो ये अभी लड्डू और पीठा, ये दोनों के लिए इस पे ही बन रहा है ना? अच्छा अच्छा, तो आज हम दीदी के हाथों से पीठा बनता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस नारियल को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले गैस में भून रहे थे, वो आखिर जाके ऐसा बन गया दोस्तों। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और देखिए दोस्तों, इसमें जो शक्कर डाला गया था वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से घुल गया है। तो अभी इससे बनेंगे मीठे मीठे लड्डू। तो अभी दीदी यहाँ पर लड्डू बनाकर इस गमले में रखने वाली है। तो देखिए दोस्तों, लड्डू कैसे बनता है हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लड्डू बनने वाला है। देखिए, ये है मेरी दीदी जो लड्डू बना रही है। देखिए, पहला लड्डू बन के रेडी है। बाहर से हम जितना भी खाएं, जो घर में खुद एकदम फ्रेश बनता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एक दो बना के ट्राई कर रही हूँ, दीदी मुझे सिखा रही है। पहले ऐसा ना, मैं पहली बार लाइफ में बना रही हूँ दोस्तों लड्डू। इससे पहले मम्मी घर पे बनाती थी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी ये पहली बार है मेरा। अब देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे जितने गोल गोल वो दीदी का होगा, जितना टेढ़ा मेढ़ा वो सब मेरा होगा। देखकर ही पता चलेगा कि ये मैंने बनाया। शो फ्रेश एंड डिलीशियस। देखिए, थोड़ा और थोड़ा सा पास जाके दिखाइए, कितना सुंदर सुंदर लड्डू है।
क्योंकि एकदम हाथ से अभी साथ साथ हम लोग बना रहे हैं। हम लोग एकदम पहली बार अभी हम तिनसुकिया आए हैं। पहले हम लोग बहुत पहले आए थे दोस्तों बचपन में, उस टाइम हमें इतना पता भी नहीं था, लेकिन अभी जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम खुद भी स्मार्ट हैं, तो हम लोग सब तिनसुकिया आए बिना मम्मी और पापा के। हम लोग दो बहने आए हैं, लेकिन चिंता का बात नहीं था क्योंकि हमें भैया लोग बार बार कॉल कर रहे थे कि कहाँ पहुँचे हो कहाँ पहुँचे हो, कि उन्हें भी चिंता था ना। और हमें बुआ यानी कि देखिए हमारी बुआ वहाँ पे है, फूफा भी हमें कॉल कर रहे थे कहाँ पहुँचे, सब लोग लेने आए थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स लड्डू बन के रेडी है और दीदी ने हमें ये लड्डू दिया है, तो चलिए खा के बताते हैं कैसा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हम लोगों ने पीठा बनाने के लिए जो चावल को कूट के रखा था, तो उससे अभी हम बनाने वाले हैं पीठा। तो देखिए एक पीठा बन के रेडी है, मेरा टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो अभी देखिए दीदी पीठा लेके कैसे तवा में डाल रही है गरम गरम, अभी देखिए वो पूरा गरम हो रहा है धीरे धीरे। अभी उसके ऊपर देखिए दीदी डाल रही है नारियल, नारियल डाल के रेडी हो गया। तो वो कुछ देर देखिए ऐसे उसे पलट के, देखिए गरम है पूरा, पूरा गरम है ना दीदी, पूरा गरम है। देखिए दो पीठा बन के तैयार, इतना अच्छे से बना रही दीदी। ये देखिए ऐसे डालेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे नारियल और उसे पलट देंगे ऐसे। देखिए ये सब प्रोसेस तो आप लोगों ने देखा है दोस्तों, देखिए तीन तीन बन के रेडी है। बहुत हार्ड है तो बनाने के लिए, देखने के लिए इजी लगता है। देखिए फ्रेंड्स अभी हो चुका है रात, आज है डे वन, आज हमारा तिनसुकिया में है डे वन। ये मैं हूँ और ये देखिए ये मेरी सिस्टर जो अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, वो भी अभी हम लोग ने डिनर कर लिया है तो अभी हम लोग सो रहे हैं। वो बोल रही है कि उसके चेहरे में मेकअप नहीं है, वो नहीं दिया मैंने तो ऐसे। देखिए दोस्तों आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया, देखिए ये लिपस्टिक तो सुबह का लगाया है, अभी ये तो मैंने हटाया नहीं। अब मैं ऐसे सो जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत लेजी लग रहा है। लेकिन देखिए मैंने आज कुछ भी नहीं लगाया, कोई मेकअप नहीं है, आज मेरे चेहरे बिल्कुल एकदम नेचुरल नेचुरल स्किन आज दिख रहा है। तो ठीक है दोस्तों अब आज हमारा डे वन एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। तो अब होगा कल डे टू, कल डे टू में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या होगा, एक बार चेहरा दिखाऊं। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अब कल, तब तक गुड नाइट।